my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Let me know if you like my geeky look in the videos or not, because of course I have specs. Maximum videos में मैं lenses पहनती हूँ, but आज मुझे लगा चलो थोड़ा आराम देते हैं इसको, so I'm wearing specs today. So let me know if you guys love me in specs or without, just in case, because lighting setup मुझे थोड़ा change करना पड़ता है, otherwise specs से बहुत light आती है. I just felt like wearing specs today. But coming back to the topic, आज की video है another episode of Best of Beauty. अगर आपको नहीं पता, मैंने एक नई series शुरू करी है, दो तीन महीने हुए हैं शायद, बेस्ट ऑफ ब्यूटी बाय कशी. सो इसके अंदर मैं काफी सारे आपको रिकमेंडेशंस दूंगी. बहुत सारे एपिसोड्स मैं ऑलरेडी लाइव कर चुकी हूँ, एंड दिस वन इज रियली स्पेशल बिकॉज इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर केयर, बॉडी केयर, स्किन केयर, मेकअप. सो या आज मैं बात करने वाली हूँ 10 थिंग्स दैट आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विद, एंड ऑल ऑफ दीज आर अंडर ₹499 ओनली. इनफैक्ट सेल पे आपको और अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, एंड दीज आर लाइक माई टॉप फेवरेट करंटली. आजकल मैं मंथली फेवरेट्स नहीं कर पा रही बिकॉज टाइम नहीं मिलता, फिर वो मंथ निकल जाता है, फिर वो एक कनेक्टिविटी नहीं रहती. सो अभी थोड़ा सा मेरा ऑफ चल रहा है मंथली फेवरेट से, सून मैं इसको शुरू करूंगी, लेकिन अभी मैं आपको अपने करंट फेवरेट्स बता देती हूँ. दीज आर ऑल माय पर्सनल फेवरेट रिकमेंडेशंस. विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट जो आजकल मैं सबसे ज्यादा यूज कर रही हूँ, दिस इज द डॉटन की स्ट्रॉबेरी ड्यू टेंटेड सनस्क्रीन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैं इसको ऑलरेडी रील रिव्यू डाल चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, सो जस्ट इन केस आपने वो नहीं देखा, मैं यहाँ पे भी वो वीडियो प्ले कर दूंगी. सो थाईलैंड अभी जब मैं गई थी अपने बर्थडे ट्रिप के लिए, उससे कुछ टाइम पहले मुझे डॉटन की का PR आया था, तब उन्होंने न्यूली लॉन्च करी थी टेंटेड सनस्क्रीन, और जैसे ही आया मैंने इसका वो अनबॉक्सिंग शूट के लिए और फटाफट मैंने अपने थाईलैंड की जो मेकअप किट बनाई थी उसमें डाल लिया, बिकॉज हमेशा मैं कभी भी बीच ट्रिप पे जाती हूँ हमेशा बहुत सारी सनस्क्रीन लेके जाती हूँ. सो फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऑन कैमरा फुकेट में ट्राई करी थी, मैंने उसी क्लिप इसके रील रिव्यू में भी डाली, एंड ओ माई गॉड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड. ये काफी अच्छी टेंटेड सनस्क्रीन है, कवरेज बहुत अच्छा. वर्क के लिए जा रहे हो, आपको एक्सेसिवली मेकअप करना नहीं पसंद, ट्राई दिस वन. इसमें तीन शेड्स आते हैं, पोर्सलिन आता है विच इज फॉर वेरी फेयर स्किन, दिस इज सैंड, और एक आई थिंक डीप आता है. सो मैं शेड जो यूज कर रही हूँ वो सेकंड नंबर वाला है विच इज सैंड, एंड इट सूट मी परफेक्टली. मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इट ब्लेंड्स इनटू योर स्किन रियली वेल. नॉर्मल सनस्क्रीन हमें बहुत वाइट कास्ट देती है, इसके अंदर वो वाला इशू नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट इज बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल भी एक्सट्रीमली ऑयली फील नहीं होती. इसका नाम है वैसे ड्यू, तो हमें लगता है ड्यूई फिनिश देगी, थोड़ा सा ग्रीसी बनाएगी, बट ऐसा नहीं है. काफी अच्छा इससे स्किन पे ग्लो भी आता है और एक टिंटेड की एक कवरेज भी मिल जाती है. इट हैज SPF 50 विद PA 4 टाइम्स प्लस, तो आपको SPF भी बहुत अच्छी मिल रही है. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. आई हैव अ कोड विद डॉटन की, दिस पार्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डॉटन की, आई जस्ट लव इट. सो जस्ट इन केस अगर आप लेना चाहते हो डॉटन की से, आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो. डॉटन की पे हमेशा कोई ना कोई डील चलती रहती है, प्लस उसके ऊपर मेरा कोड लग जाएगा कशिका 15, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा. सो यार दीज आर रियली नाइस. टॉक अबाउट सम हेयर केयर एज वेल, बिकॉज मानसून के सीजन में आते आते ना मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, और अब 30 अप्रोच हो गया है ना, थोड़े बहुत मेरे व्हाइट बाल बहुत ज्यादा निकलने अब दिख गए हैं, और ग्रे जो व्हाइट हेयर निकलने शुरू हो जाते हैं. देन ऑफकोर्स थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है तो हेयर फॉल भी होता है, एंड डैंड्रफ भी हो जाता है. सो काफी बार क्या होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, फिर समझ नहीं आता कि अच्छा ये यूज करना चाहिए, फिर ये यूज करना चाहिए. बट वन थिंग दैट आई ऑलवेज से, दैट आर पेरेंट्स ऑलवेज यूज टू से, थोड़ी बहुत चंपी कर लिया करो. आजकल ट्रेंड चल रहा है ऑयल ना लगाने का, बट ट्रस्ट मी मैंने भी करके देखा है कि बिल्कुल ऑयल बंद कर दिया था और मेरे बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए थे. वो वीडियो में भी दिख रहा था कितने रफनेस मेरे बालों में आ गई थी. सो आई एम बैक टू हेयर ऑयलिंग नाउ. मैं हेयर ऑयल को ओवरनाइट लगाना नहीं रिकमेंड करती, दैट शैम्पू करने से 2-3 घंटे पहले आप डेफिनेटली लगा सकते हो, बिकॉज हेयर ऑयल की जो नरिशमेंट है ना वो हमारी रूट्स में जानी ही जानी चाहिए. सो वन ऑयल दैट कैन लिटरली डील विद ऑल द प्रॉब्लम हैज टू बी दिस वन, जो मैं आजकल यूज भी कर रही हूँ, और ये काफी अच्छा एक होम ग्रोन ब्रांड है. इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सास बहू के इंग्रेडिएंट्स. सो दो बेसिक लेडीज हैं, डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, दोनों ने मिलकर इसका फॉर्मुलेशन क्रिएट किया है, और अभी होम ग्रोन ब्रांड काफी फेमस हुई है, अमेजोन पे काफी अच्छे से सेल होती है. द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज निधिज ग्रैंडमा सीक्रेट. इट हैज 13 हर्ब्स हेयर ऑयल, बहुत तरह के इसके अंदर ऑयल्स डले हुए हैं. ये हैंडमेड है, नेचुरल है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है. इट इज नॉट लाइक दोज वायरल आदिवासी हेयर ऑयल जिसमें नहीं पता कि हाइजीन कितनी है, कितने साफ तरीके से वो बनाए, उसमें इंग्रेडिएंट्स एक्जैक्टली क्या क्या डले हुए हैं. इट हैज प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, और काफी हाइजीनिक कंडीशन में ही बना है. सो इफ आई टॉक अबाउट एवरी इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकली, सबसे पहले इसमें करी लीव्स है जो अगेन हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी कम करती है, कैस्टर ऑयल है जो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, फिर हिबिस्कस है जो शाइन और सॉफ्टनेस ऐड करता है आपके बालों में, आंवला है जो अगेन स्ट्रेंथन करता है आपके बालों को, भृंगराज अगेन वेरी नाइस आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जो डैंड्रफ को भी कम करता है, ब्राह्मी है, एलोवेरा, नेटल लीव्स, मेथी दाना भी है इसमें, देन कैम्फर, नीम की बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, सो जो भी इचिंगनेस और जो डैंड्रफ होता है ना वो इससे चला जाता है. फ्लैक्स सीड है जिसके अंदर ओमेगा
ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है आपके बालों को। और इन सारे ऑयल्स के बावजूद ये बिल्कुल भी मेरे बालों पे हैवी ग्रीसी फील नहीं होता, बिकॉज मैंने कैस्टर ऑयल खाली भी यूज करके देखा, वो काफी बहुत थिक होता है और फिर ऐसा लगता है रिमूव करते टाइम वो अच्छे से नहीं हटा, लेकिन इसकी जो ओवरऑल फॉर्मुलेशन है वो काफी अच्छी है, लाइट है, बहुत जल्दी इजिली वॉश ऑफ भी हो जाता है, मेरे बालों पे हैवी ग्रीसी फील नहीं होता। एंड एज आई टोल्ड यू, हर इंग्रेडिएंट का एक अलग ही बेनिफिट है। सो ओवरऑल चाहे डैंड्रफ हो, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, हेयर फॉल, इचीनेस, या फिर आपकी लेंथ नहीं बढ़ रही, आपकी हेयर ग्रोथ रुक गई है, सारे बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है ना, ये एक हेयर ऑयल आपका सॉल्व कर देता है। आई लव हाउ माय हेयर लुक्स नाउ, दे आर हेल्दी नरिश, शैम्पू करने के बाद भी ऐसे सूखे सूखे फील नहीं होते, मैंने बीच में बिल्कुल चंपी छोड़ दी थी एंड नाउ आई रिग्रेटेड, बिकॉज जब बिल्कुल आपकी रूट सूख जाती है ना तो और ज्यादा हेयर फॉल होता है। सो नाउ आई एम बैक टू चंपी, अब मैं ध्यान रखती हूँ वीक में एक बार जब भी शैम्पू करूँ उससे पहले अच्छे से चंपी कर लूँ, एंड दिस ग्रैंडमा सीक्रेट हेयर ऑयल इज जस्ट अमेजिंग, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। आई लव प्रमोटिंग होम ग्रोन ब्रांड जो घर से कुछ अच्छा इनोवेटिव हाइजीनिक क्वालिटी बना रहे हैं, सो इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस ब्रांड डेफिनेटली चेक इट आउट, मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसका प्राइस है बाय द वे 599 रुपीज, लेकिन आपको अमेजोन से अंडर ₹500 मिल जाएगा। नेक्स्ट अप इज अ स्किन केयर आइटम जो मैंने बीच में बिल्कुल यूज करना बंद कर दिया था, बट देन अगेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई कैन सी विजिबल रिजल्ट्स ऑन माई स्किन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऐसा नहीं आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म कर देगा, बट ये आपकी स्किन को इतना सूदिंग और नरिश बना के रखता है कि आपको अननेसेसरी एक्ने या ब्रेकआउट्स होंगे ही नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, इट इज स्पेसिफिकली फॉर समर्स। अब जो आने वाली विंटर्स है मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अभी जो चिपचिप मॉनसून वाला वेदर था ना उसके लिए तो एक ब्लेसिंग थी। दिस इज द सेबामेड क्लियर फेस केयर जेल, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इसका नाम है सेबामेड केयर जेल। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसे जेल होता ना बिल्कुल वैसा मॉइस्चराइजर है। ये बना भी इम्प्योर एक्ने प्रोन स्किन के लिए, इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स है, हाइलोरॉन है, एलो है, देन एलेंटॉइन है, पैंथेनॉल। ये एलेंटॉइन और पैंथेनॉल जो होते हैं ना ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को सूद करते हैं, तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लिया जिससे आपकी स्किन पे रिएक्शन हो गया, या फिर आपको वैसे ही आपकी स्किन पे रेडनेस बहुत ज्यादा है, आपने मेकअप किया, काफी बार होता है पोस्ट मेकअप रिमूव करने के बाद भी स्किन हल्की हल्की रेड फील होती है, वट एवर रीजन ट्राई दिस वन, हाउ द केयर जेल लुक्स लाइक, यू कैन सी एकदम ट्रांसपेरेंट है ये और बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं तो आजकल जिम भी यही लगा के जाती हूँ बिकॉज नरिशमेंट भी देता है और इतना हैवी नहीं है। जिम में अगर आप हैवी ग्रीसी मॉइस्चराइजर लगा के जाओगे ना फिर वैसे स्लिपरी होगा, आपके फेस पे से चिपचिप करेगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऑयली स्किन के लिए तो ये ब्लेसिंग है। तो हेयर ऑयल की तो हमने बात कर ली स्कैल्प के लिए, बट वॉट अबाउट द हेयर लेंथ, मैं हेयर लेंथ पे ज्यादा ऑयली लगाती, सो फॉर दैट आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज अगेन अंडर ₹499 जेम फाइन। दिस इज द लॉरियल पैरिस हाइलुरॉन मॉइस्चर हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड, ये 4x मोर हाइड्रेशन देता है, सॉफ्टनेस देता है आपके बालों पे। ये एक लीव इन नाइट क्रीम है जो बेसिकली डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए बनी है, लाइक अगर आपने बहुत ज्यादा हीट ट्रीटमेंट करा लिया, ब्लो ड्रायर बहुत ज्यादा करते हैं, आपके बाल जल गए हैं, डैमेज हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड और सूखे हैं, तो उस केस में आप नाइट क्रीम यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लेना है अच्छे से अपने हाथों में मसाज के, जस्ट अप्लाई ऑन योर हेयर लेंथ, एंड सिंस ये नाइट क्रीम है तो आप शैम्पू करने से एक दिन पहले भी लगा सकते हो या फिर आप इसको खाली भी लगा सकते हो। इसका एज सच कोई रेसिड्यू नहीं है, अनटेनलेस आप भर भर के ही लगाओगे तो ऑफकोर्स रेसिड्यू तो दिखेगा, वैसे चिपचिप दिखेगी या चिपके चिपके आपके बाल लगेंगे, लेकिन अगर आप डिसेंट अमाउंट में लगाओगे ना थोड़ा कम कम अच्छे स्प्रेड करके तो अगले दिन आपके बाल बिल्कुल भी ऐसे ही लगेंगे, आपने कुछ क्रीम लगाई है अपने बालों पे, बिकॉज इसका कोई हैवी रेसिड्यू इतना है नहीं, तो आपने काम पे इजीली जा सकते हो, आपको फिर हेयर वॉश करने की नीड नहीं है। सो अगर आपके बाल वैसे ही बहुत ड्राई ऐसे झाड़ू जैसे उड़े उड़े रहते हैं तो आप डेफिनेटली इससे थोड़ा सा उसको टेम डाउन कर सकते हैं, नरिशमेंट भी देगा एज ओवरनाइट एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट की तरह भी काम करेगा, आपके बालों की जो रफनेस है ड्राइनेस है उसको डेफिनेटली कंपनसेट करेगा। दिस वन इज अंडर 499, बट आई नो देयर इज लॉट ऑफ ऑडियंस जो कहती है हम स्पेसिफिकली एक नाइट क्रीम नहीं लेना चाहते, कुछ DIY वर्जन या फिर कुछ जुगाड़ू वाला वर्जन बताओ, सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड अ गुड एलोवेरा जेल। आप एक एलोवेरा जेल से भी नाइट क्रीम बना सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो एलोवेरा जेल मैं आजकल यूज कर रही हूँ वो है ये वाला इंस्टेंट वेदा का हर्बल एलोवेरा जेल। मैंने इंस्टेंट वेदा का हेयर केयर रूटीन भी यूज करके देखा, आई लव्ड इट एंड नाउ डेज आई एम यूजिंग दिस एलोवेरा जेल, ऑलमोस्ट एक यहाँ तक आ गया, पूरा यहाँ तक फिल था ये, तो मैंने काफी यूज भी कर लिया है। दिस वन इज पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, क्रुएल्टी फ्री, फॉरेस्ट बेस्ड, ऑल स्किन टाइप के लिए बनाया, बट ये मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल है, आप इसको बॉडी हेयर स्किन कहीं पर भी यूज कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, उसके अंदर ये हेयर ऑयल को मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, एक क्रीम जैसा अपने आप ही बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई नाइट क्रीम बन के रेडी हो गई है। ज्यादा ऑयल प्लीज ऐड मत करना बिकॉज ऑयल ज्यादा हेयर लेंथ पे इतना लगाना नहीं चाहिए, अदरवाइज फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके बेड पे पिलो पे। सो हल्का सा ऑयल लेके एलोवेरा में मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हो हेयर लेंथ पे। ये वाला एलोवेरा जेल के तो मल्टीपर्पज यूसेज है, मैं तो जब फेस शेविंग भी करती हूँ तब भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ, देन बॉडी पे अगर रेडनेस है तब अप्लाई कर लेती हूँ, मॉस्किटो बाइट
हो गई या फिर रैशेज इचीनेस हो रही है, काफी बार जिम जाते हैं ना तो जिम टाइट्स की वजह से भी रैशेज हो जाते हैं, तो उस केस में मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेती हूँ, या फिर आफ्टर केमिकल एक्सफोलिएशन कुछ लगाना है तब भी आप एक अच्छा एलोवेरा जेल लगा सकते हो। इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस है बट इट इज नॉट ऑल इरिटेटिंग ऑन स्किन, काफी अच्छी प्लीजिंग फील होती है। एंड या इट्स अ वेरी नाइस मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल। इसमें आप टी ट्री ऑयल, एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास है, हल्का सा वो ड्रॉप मिक्स करके अपना एंटी डैंड्रफ जेल भी बना सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा मॉनसून की वजह से चिपचिप डैंड्रफ के इश्यूज हैं, फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्कैल्प में, इचीनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो हल्का सा इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल ऐड करो, मिक्स करो, अपनी स्कैल्प पे लगा लो, बहुत अच्छे से ये डैंड्रफ को भी किल कर देगा। सो या अगर आप एक अच्छा मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल देख रहे हो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। इसका प्राइस है ₹399 बट डेफिनेटली आपको ये अमेजोन पे और कम प्राइस में मिल जाएगा। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर चेक करना। मेरे टॉप 10 ऑब्सेशन की बात है और उसमें मेकअप ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो काफी सारे मेरे फेवरेट मेकअप है, बहुत सारे मैंने नए भी ट्राई किए हैं जिसकी आई थिंक वीडियो जल्दी लाइव आने वाली है, बट वन मेकअप प्रोडक्ट दैट आई कैन डेफिनेटली से कि आई एम ऑब्सेस्ड विद नाउडेज, जो मैंने बहुत यूज किया, ऑलमोस्ट अब मैंने खत्म भी कर दिया है, दिस इज द लैमेल बीबी ब्लश, दिस इज द टिंट क्रीम फॉर्मुला डूई सिल्क फिनिश। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था बिकॉज के रिव्यूज काफी अच्छे थे। मैंने अभी रिसेंटली बेस्ट ऑफ ब्यूटी में एक ब्लश की वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने ये फीचर किया था। शेड है वो है 401T रोज एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मैंने एप्लीकेशन शॉर्ट व्यू से शूट किया बट लुक एट दिस, ये लगता वैसे पिंक है कि बिल्कुल वॉश ऑफ कर देगा मेरी स्किन को, बट ऐसा नहीं है, ये एक बार ब्लेंड हो जाता है ना स्किन में ये इतना सुंदर लगता है। मैंने तो अभी एक्सेस में लगा लिया था तो मैंने थोड़ा सा ब्रश से उसको टेम डाउन किया, बट वंस यू ब्लेंड इन टू योर स्किन ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ऐसे ओवर नहीं लगता। सो ये काफी अच्छा लेयरिंग के लिए काफी अच्छा ब्लश है, बिल्कुल भी ऐसे ओवर फील नहीं होता। एंड ऐसे वाले जो लिक्विड ब्लश होते हैं उनकी सबसे बेस्ट बात यही होती है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, आपके रेगुलर पाउडर ब्लश के कंपैरिजन में ये काफी लंबा चलता है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता। एंड इसका फॉर्मुला बहुत अच्छा है, इट एक्चुअली फील्स दैट यू नो दैट सिल्क काइंड ऑफ फिनिश जो आती है, बहुत अच्छा इसका फॉर्मुला है। इसमें काफी सारे और भी शेड्स आते हैं तो आपने स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो, बट अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है लाइक NC25 Maybelline 128 वार्म न्यूड तो आप ये डेफिनेटली टी रोज ले सकते हो, दिस वन इज जस्ट अमेजिंग। एंड ऑब्सेशन की बात होगी तो लिपस्टिक तो आएगी आएगी, और हम सबकी एक ऐसी लिपस्टिक होती है जो एक पर्टिकुलर फेज में हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। एक होता है ना आप पूरा महीना एक ही शेड यूज करते हो, फिर आप कोई लिपस्टिक को हाथ नहीं लगाते, फिर नेक्स्ट मंथ आपको कुछ और पसंद आ जाती है। तो मैं करंटली अपनी प्रेजेंट ऑब्सेस्ड लिपस्टिक आपको बता सकती हूँ, दिस वन इज नायका मैट टू लास्ट इन द शेड 01 बॉम्बे, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने इसका पुराना वाला जो एक और शेड था मेरे पास मद्रास कापी, वो पूरा खत्म कर दिया था, मतलब लिटरली वो ड्राई आउट हो गई है। पहली मेरी लाइफ की लिपस्टिक है जो मैंने एंटायरली लिक्विड लिपस्टिक जो मैंने खत्म कर दी है। सो मैंने अब जाके ये सेकंड शेड खोला है, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, लव द फैक्ट बहुत प्यारा पिंकी लाइक पिंकिश कलर है लेकिन बिल्कुल भी वॉश ऑफ नहीं हो रहा मेरी स्किन पे। तो इस लिपस्टिक के साथ मैं लगाना प्रेफर करती हूँ एक डार्क कलर का लिप लाइनर, मैंने वीडियो में भी अप्लाई किया है, ये मार्स का एज ऑफ डिजायर इन द शेड स्कैंडलस ब्राउन। सो इसको लगाने के बाद जब मैं फिल इन करती हूँ ना बहुत अच्छे लिप्स लगते हैं, थोड़े से पाउटी लगते हैं, शेप काफी अच्छी आती है। एंड इट इज एक्चुअली मैट टू लास्ट, ये मैट है और लॉन्ग लास्टिंग है, आप उसको अपने बैग्स में रख सकते हो, कैरी भी कर सकते हो, एंड द शेड इज जस्ट ब्यूटीफुल। अदर लिप केयर प्रोडक्ट दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद नाउडेज, ये तो मेरी लिस्ट में होना ही था बिकॉज ये तो मेरा डेली नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का एक पार्ट बन गया है, दिस इज द लिनेज लिप स्लीपिंग मास्क। ये मैंने जब परचेज किया था मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी गाइज इफ इट इज वर्थ द हाइप और नॉट, और मैक्सिमम 80% लोगों ने कहा था येस इट इज वर्थ द हाइप। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बहुत सारी ब्रांड्स इनके ड्यूप भी निकाले हैं बट इसकी जो हाइप है ना वो रियल है। मैंने इसको यूज किया, आई लव्ड इट। अब मेरे लिप्स लेस चैपी होते हैं, मैंने जब मैट लिपस्टिक लगाती हूँ फटे फटे फील नहीं होते। सो रात को तो डेफिनेटली आप ये लिप स्लीपिंग मास्क लगा सकते हो, काफी अच्छा है। एंड यू कैन सी सेंटर में एक डेंट टाइप आ गया, मैंने इसको काफी यूज कर लिया, नॉट जस्ट मी, अमन भी यूज करता है, माई हस्बैंड ऑल्सो यूज इट, ही लव्स इट बिकॉज इसका फ्लेवर भी काफी अच्छा है, ऑफकोर्स काफी अच्छे नरिशमेंट भी देता है, इसका कोई कलर नहीं है। सो इवन इफ अ मेल पर्सन वॉन्ट्स टू यूज इट वो भी इनको नरिशमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। एंड या दिस इज रियली नाइस। नेक्स्ट प्रोडक्ट का साइज देख के आप बोल ही नहीं सकते कि अंडर ₹500 है। एंड यू कैन सी मैंने काफी सारा यूज भी कर लिया है। दिस इज द पियर्स ब्राइटनिंग पोमोग्रेनेट बॉडी वॉश, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे आई थिंक किसी नायका के पीआर में रिसीव हुआ था एंड ओ माय गॉड, इसमें ऐसे लाइक आपको लगेगा इसमें रोज पेटल है, अनार बने हुए हैं, तो बड़ी इसकी वो मीठी लक्स वाली जो खुशबू होती है ना वैसी होगी, बट ऐसा नहीं है। इसका बहुत अच्छा एक सिट्रसी फील है बॉडी पे जो आती है एंड आई लव इट। मतलब इसको मैं जब भी यूज करती हूँ ना पूरे वॉशरूम में फ्रेग्रेंस होती है, पूरे रूम तक फ्रेग्रेंस चली जाती है, मेरी बॉडी में से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी मिल रही है जो आई थिंक कोई बाथ एंड बॉडी वॉश या कोई फैंसी बॉडी वॉश नहीं देगा। एंड ट्रस्ट मी मैंने बाथ एंड बॉडी वॉश के बॉडी वॉशेस भी यूज करे हैं,
दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग. बिल्कुल ऐसा लगाया, अभी लगाया, दो मिनट बाद वो उड़ जाते हैं, बट ये लॉन्ग लास्टिंग है. लिटरली रूम तक, वॉशरूम, आपकी बॉडी तक इतनी लंबी फ्रेग्रेंस वो लास्ट करती है, जो काफ़ी अच्छा फील होता है. सो अगर आप एक अच्छा रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश ढूंढ रहे हो जिसमें फोम भी अच्छा बनता हो, जिसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी हो, जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो एंड अफोर्डेबल भी हो, बिकॉज प्राइस पॉइंट के हिसाब से लुक एट दिस, आपको इतनी बड़ी बॉटल मिल रही है, पम्प बॉटल है तो काफ़ी ईजी भी है यूज करना. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट रिकमेंडेशन, अंडर ₹499, दिस इज द सो ट्रू फिनिश लाइन हेयर फिनिशिंग स्टिक. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने रिसेंटली इसका रील रिव्यू डाला अपने इंस्टाग्राम पर, सो जस्ट इन केस यू नॉट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज गो देयर, चेक इट आउट. मैं काफी सारे वहां पे रील क्विक रिव्यूज करती हूँ एंड दिस वन इज एक्चुअली इफेक्टिव. पहले मुझे लगता था ये ऐसे कुछ नकली होता है, नहीं वर्क करता होगा या मेरे बालों को चिपचिप कर देता होगा, बिकॉज हम पहले क्या हैक करते थे, हम रेगुलर ऐसे मस्कारा आते थे ना उनको यूज करते थे ताकि थोड़े से बाल हमारे सेटल डाउन हो जाए, बट ये दिखता मस्कारा जैसा है, बट इसके अंदर एक लिक्विड है जो काफी अच्छे से आपके बालों को टेम डाउन कर देता है. सो द होल पर्पज ऑफ दिस इज टू गिव योर हेयर नाइस फिनिश लुक. जो ऐसे बाल खड़े होते हैं ना, छोटे छोटे आपके बाल खड़े रहते हैं, आप हेयर स्टाइलिंग करते हो, फिर काफी लोग यहाँ से बहुत अजीब बाल देखते हैं, जब आप कुछ बन बनाते हो, कोई टाइट हेयर डू बनाते हो, वैसे भी आपने कोई पोनी टेल बनाई, आपको नहीं अच्छे लग रहे आपके ऐसे बाल खड़े हुए हैं, बिकॉज इंटरव्यूज होते हैं, किसी का वर्क है, ऑफिस है, तो थोड़ा सा एक अच्छा फिनिश लुक अच्छी लगती है. सो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो. बिल्कुल आपको इसको मस्कारा की तरह यूज करना है, जस्ट ब्रश इट थ्रू योर हेयर. ये आपके बालों को ग्रीसी नहीं करेगा, चिपचिप नहीं करेगा, आपके बाल ऐसे चिपकेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद आप उसको ब्रश भी करोगे ना नॉर्मल हो जाएंगे, बट आपके बाल टेम डाउन रहते हैं, अच्छे इवन फील होते हैं. सो अंडर ₹499, इनफैक्ट आपको ये और सस्ता मिल जाएगा अमेजोन से, आप डेफिनेटली ले सकते हो. ये मीशो पे भी अवेलेबल है, जितने पॉसिबल लिंक्स होंगे मैं नीचे रिसेप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो दीज आर माई टॉप 10 रिकमेंडेशन अंडर ₹499 ओनली, दैट आर वर्थ एवरी पेनी. आई पर्सनली लव दीज एंड आई एम श्योर आपको भी काफी पसंद आने वाले हैं. इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे रिसेप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड या दैट इज इट फॉर डेज वीडियो. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.